काली माँ का बेटा आ चुका है बॉक्स ऑफिस को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करने। जो भी प्रिडिक्शन हम यहाँ पे सोचते हैं बर्बाद ना बोलेंगे, ये नहीं करना है, इससे भी ऊपर जाना है। जो भी कलेक्शन की रिपोर्ट्स आती है उससे दो मिनट बाद एक और रिपोर्ट आ जाती है कि भाई इतना नहीं है, अब इतना हो गया है, क्योंकि प्रभास अन्ना बाहुबली की तलवार लेकर बॉक्स ऑफिस के ऊपर खचा खच खचा खच इतना भाई तबाही मचा रहे हैं, जिसको सोच सोच के हमारा दिमाग काम नहीं करता कि ये मूवी आखिरकार करना क्या चाहती है। क्योंकि भाई इतनी ज्यादा ओपनिंग, इतनी बड़ी कलेक्शन आज तक किसी भी मूवी की नहीं हुई है, जो कि सलार करने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी प्रिडिक्शन क्या है और यहां पर कितने आंकड़े निकल के आ रहे हैं और किस लिहाज से प्रभास अन्ना ने यार कमबैक किया है। देखो केजीएफ का डायरेक्टर प्रशांत नील, जो कि अपने लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाला है, और ये जो ओपनिंग है ये प्रभास अन्ना के करियर की दूसरी ओपनिंग होगी, क्योंकि बाहुबली के बाद प्रभास अन्ना की किसी भी मूवी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है जो कि सलार ने दिखाया है। और ये जो कलेक्शंस है ये भाई अनबिलीवेबल है, नॉन स्टॉप है, और ये दिल को दहला देने वाले कलेक्शंस है। तो डिटेल के अंदर बात करते हैं, उससे पहले अगर आपने राहुल भाई को सपोर्ट नहीं किया है तो कर लो यार सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे आपको काली मां के बेटे प्रभास अन्ना की मूवी की अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डे वन की तेलुगु मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की, तो भाई अभी तक 99% की ऑक्यूपेंसी है। सुबह से लेके शाम तक इसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो ड्रॉप नहीं हो रही है, और डे वन यहाँ पे जो है वो काफी कमाल का गुजर चुका है। आफ्टरनून के अंदर भी इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो अभी तक बरकरार है। और हिंदी की ऑक्यूपेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो भाई हिंदी के अंदर भी अब रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि पीवीआर वालों को जो प्रभास अन्ना ने डंडा दिया था उसके बाद उनकी भी अकल ठिकाने आ गई है, और वो भी काली मां के बेटे का बहुत ही आदर सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि सलार भाई पैन इंडिया लेवल की मूवी है और इसको पूरी दुनिया देख रही है, इसीलिए तो $5 मिलियन की एडवांस बुकिंग हुई है। कहां पर? अमेरिका से, यानी कि 30 करोड़ रुपए तो सिर्फ एडवांस बुकिंग हुई है। और तो आगे सुनो, अगर हम बात करें हिंदी की ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो भाई 30% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, आफ्टरनून भी 31% है, और इवनिंग के अंदर तो इंक्रीजमेंट और ज्यादा आ गया है। भाई साहब 35% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग के अंदर भी आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि नॉर्थ की ऑडियंस का कनेक्शन जुड़ना शुरू हो गया है, और सलार को नॉर्थ की ऑडियंस भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है। हैदराबाद के अंदर 99% की ऑक्यूपेंसी है, किसकी? तेलुगु वर्जन की, और 1210 शोज ओपन किए गए हैं। बेंगलुरु के अंदर 790 शोज हैं, 80% की ऑक्यूपेंसी है। वहीं जो और ज्यादा बेंगलुरु स्टेट्स के आसपास जो भी इलाके हैं उनकी ऑक्यूपेंसी लाजवाब चल रही है। अगर हम एक एक कवर करेंगे तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आते हैं मुद्दे के ऊपर, हम यहां पर बात करें हिंदी की ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो यहां पे मुंबई के अंदर 25% है, उसके बाद दिल्ली के अंदर भी 28% है, और अगर पुणे की बात करें तो भाई तो 245 शोज है, 31% की ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु के अंदर 37% की ऑक्यूपेंसी है और 86 शोज को ओपन किया गया है। हैदराबाद के अंदर भी यार 500 शोज ओपन हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। दिल्ली के अंदर 710 शोज ओपन किए गए हैं, जो कि यह भी एक बहुत ही अच्छा नंबर है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि राहुल भाई ये तो सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन तबाही कहां पे पहुंची है, कितनी कलेक्शन हुई है, ये बात करो। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। भाई साहब हिंदी के अंदर इस मूवी ने यहां पे 5 से 6 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की, लेकिन अब जो अर्ली एस्टिमेट रिपोर्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये मूवी 17 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन करने वाली है। ओ भाई साहब 17 करोड़ रुपए की, भाई साहब यहां पे जो कलेक्शन है उसका नंबर आ रहा है। लेकिन तेलुगु का सुनोगे तो आप भी बोलोगे काली मैया की जय हो, काली मैया की जय हो, क्योंकि उसके बेटे ने तेलुगु के अंदर जो सुनामी का बवंडर, जो आग का ज्वाला धजका है, वो भाई साहब देखने के लायक है। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि तेलुगु के अंदर जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग 70 करोड़ रुपए
जी हाँ दोस्तों, 70 करोड़ रुपए ये मूवी कमाने वाली है तेलुगु वर्जन के अंदर और 17 करोड़ रुपए ये कमाने वाली है हिंदी के अंदर। दूसरी जो लैंग्वेजेस है उसके अंदर अगर 20 करोड़ भी आ गया ना तो कितना हुआ रे मेरे भाई, ये बन जाता है 100 करोड़ नेट कलेक्शन इंडिया। बाहुबली की जय हो भाई। ये जो रिपोर्ट है ना अनबिलीवेबल है, नॉन स्टॉप है और भाई फाड़ू है। 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग पर बासना कॉन्ग्रेचुलेशन, आई लव यू डार्लिंग, आपने इतना अच्छा कमबैक किया, हमारा दिल खुश हो गया, हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो चुका है, क्योंकि ऐसा ही एक्शन अवतार हम आपका देखना चाहते थे और ऐसा ही अवतार आपने दिखाया है। बात करते हैं ओवरसीज के बारे में, तो भाई 30 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी और नंबर्स जो है वो यहाँ पे 5.9 मिलियन डॉलर्स के आ चुके हैं और 50 करोड़ रुपए लाले, 50 करोड़ रुपए यहाँ पे ओवरसीज से भी ये मूवी कमाने वाली है। यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रोस कलेक्शन 170 करोड़ रुपए। ओहो भाई साहब, ये वो कलेक्शन है जो केजीएफ ने भी नहीं किया था, ये वो कलेक्शन है जो कि बाहुबली ने भी नहीं किया था और ये वो कलेक्शन है जो कि सलार करेगी और पूरी इंडिया की नंबर वन सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म प्रभास अन्ना की बनने वाली है। मैं कहता हूं बन चुकी है। बाकी आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना। राहुल भाई की बातों से आप कितना सहमत हो, कितना प्यार करते हो प्रभास अन्ना से, ये कमेंट करो बताओ और सब्सक्राइब करो ताकि राहुल भाई का सीना थोड़ा चौड़ा हुए और हमें भी यार इस बात की खुशी हो कि कोई एक बंदा ऐसा है जो कि राहुल भाई से भी सपोर्ट करता है, प्यार करता है और हम इसी तरीके से प्रभास अन्ना के लिए वीडियोस बनाएं और आपको अपडेट देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हम देते हैं इजाजत, हरे कृष्णा।